उत्तर प्रदेश के मेरठ के मुगलई शिरमाल, जी हाँ अब ये हो गए हैं दिल्ली के मुगलई शिरमाल। दिल्ली आए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुँचे और खाने पीने के लिए बाहर होटलों की तलाश करें तो मरकज वाली गली में आपको नजर आती है मुगलई शिरमाल की शॉप, जहाँ ये मुगलई शिरमाल बनाए जाते हैं। दिल्ली में मेरठ के शिरमाल को ये पहचान दिलाई है हाजी नदीम शिरमाल वालों ने। इनकी एक शॉप दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में भी मौजूद है, इसे खाने वाले शौकीनों की कोई कमी नहीं है। एक दिन में एक दुकान से 1000 शिरमाल बिक जाते हैं। इन शिरमालों को लेने पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग इन दुकानों तक पहुंचते हैं। जी जी, सब शुगर जो है बहुत कम मात्रा में होती है, हर कोई खा सकता है। आप ये लेने जामुद्दीन? अच्छा, किस तरह से जो है मतलब ये पसंदीदा है आपका? ये बहुत अच्छी है, इसमें ड्राई फ्रूट होता है, सॉफ्ट होती है, बहुत ही बहुत टेस्टी होती है। आइए मुगलई शिरमाल बनाने वाले नईम से बात करते हैं कि कितनी मेहनत से वो इन शिरमाल को तैयार करते हैं। जी, ये हमारा शाही शिरमाल होता है, मेरठ का मशहूर होता है। जी, हमारे पास इसमें के 4-5 वैरायटी होती हैं। देखो आप वैरायटी देखो, एक ये वैरायटी होती है, ये 30 रुपए की होती है हमारी। ये दूसरी ये वैरायटी है 40 रुपए की है, नॉर्मल बादाम में होती है, ये प्लेन होता है, ये नॉर्मल बादाम होता है। ये तीसरी वैरायटी है तिल बादाम में, 50 रुपीज़ का होता है। ठीक है सर। और ये नीचे लो, नीचे ये 70 रुपीज़ का होता है फुल बादाम में। और ये हमारा टॉप होता है पिस्ता बादाम, 100 रुपीज़ का। तो ये क्या कब से कर रहे हैं आप, क्या प्रोसेस होती है बनाने की, थोड़ा सा बताएंगे आप? वो घी दूध बादाम से तैयार होता है सर ये, और इसमें घी दूध खोया पिस्ता बादाम अंजीर ये सब चीज़ डलती है सर। क्या कितनी देर में इसका आटा तैयार होता है? आटा तैयार होने के लिए तो सर प्रोसेस लगता है कम से कम 1 घंटे का, 1 घंटे का प्रोसेस होता है आटा मैदा तैयार करने के लिए। उसके बाद ये बना के रखा जाता है, उसके बाद पेड़े बनते हैं इसके साथ, जो आपने अभी देखे थे वो टब में आपने वीडियो बनाई थी उसकी। उसके बाद ये टिक्की बनती है, उसके बाद ये तंदूर में जाता है जब तैयार होता है। कितने फेमस दिल्ली में, मतलब आप ही ने इसे फेमस किया? जी, दिल्ली में हमारे फेमस तो बहुत ने किया है, हमारी हाजी नदीम शाही शिरमाल वाली दुकान है उससे फेमस हुआ है। वैसे तो हमने यहाँ पे 2-3 साल हो गई हैं, 3 साल होने वाली हैं यहाँ पे भी, अल्लाह का शुक्र है अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, एक दिन में मतलब कितने सेल करते हो जाते हैं? 500-600 शिरमाल बिक जाते हैं भाजी। दिन ऐसा होता है 1000-1200 शिरमाल भी हो जाते हैं, नहीं तो 500-600 तो रोज के होते ही हैं सर। अच्छा, तो ये सादा ही खाया जाता है या किसी सर? नहीं, आपको जिससे आप खाना चाहो उससे खा सकते हो आप, घी दूध, ये घी से दूध से चाय के साथ ज़्यादा बेटर होता है, और आपकी मर्जी आप जैसे भी खा सकते हो। लाइट स्वीट होता है इसमें, ज़्यादा मीठा नहीं होता सर, वो एक वजह है लाइट स्वीट होने की वजह से। यही लाइट स्वीट होने की वजह है जो आप इसको आराम से कैसे भी किसी भी चीज़ से खा सकते हो सर। ये कहाँ से ईजाद हुआ है? ये सर मेरठ से ईजाद हुआ है, मेरठ का है। क्या नाम है जिन्होंने ईजाद किया? जी, क्या नाम है उनका जिन्होंने ईजाद किया? वो तो खैर इसको छोड़ो, वो तो रहे भी नहीं है। अच्छा जी, तो आपने वहीं से सीखा था? जी, हमने अपने दुकान से सीखा, हाजी नदीम शिरमाल की दुकान से। और वैसे भी और कारीगर हैं, वहीं के ही कारीगर थे जिन्होंने ये निजात किया था, जिन्होंने इसे फैलाया है इधर उधर, तो वहीं के ही कारीगर थे, उन्होंने ही इसके चारों तरफ फैलाया है। अफगानिस्तान की रोटी से इसका क्या रिश्ता? अफगानिस्तान की रोटी बिल्कुल अलग होती है सर, ये बिल्कुल अलग होता है, उससे कोई इसका कनेक्शन नहीं होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम है सर।